परसेंटेज टोटल निकालने के लिए मेरे पास यहाँ पर डाटा है मंथ वाइज सेल्स का, जिसमें मेरे पास मंथ जनवरी की सेल है, फरवरी की सेल है, मार्च की सेल है। डाटा को पहले समझ लेते हैं। मुझे ये एक साल की सेल्स की परसेंटेज टोटल निकालना है। मुझे ये जानना है कि जनवरी में मेरी टोटल सेल परसेंटेज में कितनी हुई, फरवरी में कितनी हुई और मार्च में कितनी हुई। पूरी की पूरी वन ईयर की सेल्स को मुझे निकालना है। तो इसके लिए मैं फार्मूला अप्लाई करने के लिए जा रहा हूँ। सबसे पहले मुझे सेल्स का टोटल निकाल लेना है। सेल्स के टोटल निकालने के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ग्रैंड टोटल। जैसे ही मैं ग्रैंड टोटल लिख देता हूँ, उसके बाद मुझे एक फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला अप्लाई करने के लिए मुझे इक्वल का साइन, इक्वल की जो की है उसको प्रेस करना है। उसके बाद सम का बटन प्रेस कर देना है। ये करने के बाद मुझे डाटा रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद एंटर का बटन मैंने प्रेस कर देना है। तो ये हमारे पास ग्रैंड टोटल आ जाता है। ये ग्रैंड टोटल परसेंटेज टोटल निकालने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर अपने परसेंटेज टोटल निकालने का फार्मूला लगाने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं इक्वल का इक्वल की की को प्रेस कर दूंगा और उसके बाद मैं सेल्स को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद डिवाइड का साइन दबाने के बाद, प्रेस करने के बाद ग्रैंड टोटल को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। ग्रैंड टोटल को सिलेक्ट करने के बाद मुझे फंक्शन की F4 को प्रेस करना है ताकि ये जो सेल है वो लॉक हो जाए। जब हम ड्रैग डाउन करेंगे तो ये सेल नीचे से सेल अपनी पोजीशन चेंज ना करे। उसके बाद मुझे एंटर कर देना है। तो ये देखें, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ मेरे पास परसेंटेज टोटल आ जाता है। अब इस सेल को पकड़ने के बाद मुझे ड्रैग डाउन कर देना है। जैसे मैं ड्रैग डाउन करता हूँ तो मेरे पास पूरे साल की परसेंटेज वाइज सेल आ जाती है। तो अगर मैं इसको भी प्रेस करता हूँ और सम का फार्मूला अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पर मेरे पास 100% सेल आ जाएगी, यानी कि मेरे पास यहाँ पर 100% सेल आ चुकी है। तो अगर हम मंथ वाइज सेल को चेक करते हैं तो जनवरी की सेल 3% रही, फरवरी की 8% रही, मार्च की 6% रही, अप्रैल की 14% रही। तो अब मैं फार्मूले को ओपन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे जैसे मैं फार्मूले को ओपन करता जाऊँगा आपको फार्मूले को डिटेल के साथ समझ आती जाएगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आए। अगर आपको वीलुकअप सीखना है और फंक्शन सीखने हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे चैनल पर इस तरह की वीडियोस आती रहती हैं। अब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।